Hello and welcome friends. Today I gonna teach you about loop in Java. So how can we use for loop in Java? Let's start this video. First of all, हमें ये समझना है कि हम loop को कैसे use करेंगे, ठीक है? तो चलिए loop को use करने का तरीका सीखते हैं. सबसे पहले ब्रूज़र मैं open कर लेता हूँ. आपके पास जो भी आपने रखा होगा use करने के लिए software, उस पर आप use कर सकते हैं. आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें. सबसे पहले आप प्रोजेक्ट पे जाइए, ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए, क्योंकि हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं. मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ. ये ध्यान रखिएगा कि जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाइएगा उसी नाम से आप क्लास भी जरूर बनाए. तो यहाँ देखिए मैंने लगा दिया डॉट जावा. डॉट जावा एक्सटेंशन होती है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है डॉट जावा. सूरज डॉट जावा नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ये एक विंडो ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पर आपको न्यू क्लास पे क्लिक करना है और न्यू क्लास में आप इसका नाम सूरज ही रखेंगे. जो आप फाइल को सेव करते वक्त नाम देते हैं उसी नाम से हम क्लास बनाते हैं. तो यहां पर अब ओके प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इस एडिटर को ओपन करना है. यहां से ओपन एडिटर कीजिए आप. तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये वाली एक विंडो ओपन होगी और कंट्रोल ए प्रेस करके और इसको बैक स्पेस की से आप हटा दीजिए. अब हमें यहां पर कोडिंग करनी है. हमें क्या यूज करना है, लूप यूज करना है, लूप लगाना है और देखना है कि लूप का यूज हम कैसे कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं पब्लिक और यहां पर बनाऊंगा क्लास. तो क्लास किस नाम से बनानी है, मैंने बताया था. देखिए मैंने सूरज लिखा था नाम, अपना ही नाम लिखा था इसमें क्लास बनाते वक्त. तो यहां पर क्लास का नाम सूरज ही रहेगा और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है. अब हमें क्या करना है, यहां पर देना है जो हम जनरली देते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन. अब ये जो वर्ड मेन देंगे इसमें हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेंगे, स्ट्रिंग ए आर जी एस लिखेंगे, स्ट्रिंग ए आर जी एस. तो स्ट्रिंग लिखने के बाद हमें क्या करना है, ए आर जी एस लिखना है, आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है? तो यहां लिखता हूं ए आर जी एस, ठीक है? तो स्ट्रिंग ए आर जी एस दिया हमने. अब हमें क्या करना है, इसको करना है क्लोज. क्लोज कर दिया हमने. क्लोज करने के बाद यहां पे कर्ली ब्रैकेट वापस से लगा लेना है. अब हमको जैसे नीचे आएंगे यहां पर फॉर लूप लगाना है. तो चलिए यहां पे फॉर लूप लगाकर आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये कैसे हम कर पाएंगे. तो देखिए मैं एक बात और बता देता हूं, आपने कोई भी वेरिएबल भले ही ना बनाया हो, आप फॉर लूप के अंदर ही वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो मेंशन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहां लिख लिया इंट और हमने अभी कोई वेरिएबल नहीं बनाया जैसा कि आप देख सकते हैं. तो यहां पर मैं फॉर लूप के अंदर ही एक वेरिएबल बना लेता हूं आई नाम से, ठीक है? और आई में पहले स्टोर कराता हूं जीरो, यानी आई में इनिशियलाइज कर दिया हमने जीरो और आई की वैल्यू को लेस देन और इक्वल टू चला रहा हूं 13 तक, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, चला रहा हूं इसको 13 तक. फिर इसको टर्मिनेट किया और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, ठीक है? लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से चाहे तो बना सकते हैं हम. अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे. तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिस्टम कैपिटल एस लिखिएगा आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है? ये लिख दिया हमने. और यहां पर क्या देंगे हम, यहां पर हमें आई की वैल्यू देनी है, ठीक है? आई में जो हमने दिया है वो चीजें प्रिंट होकर आनी चाहिए. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सी लैंग्वेज नहीं है, आपको यहां डबल इंटेड कॉमा यूज नहीं करना, ठीक है? पेरेंथेसिस जो जैसा जो लगाया है वैसे ही आपको यूज करना है, ठीक है? और यहां पर कर दीजिए इसको टर्मिनेट. जैसे ही टर्मिनेट करेंगे तो अभी आपको देखना होगा कि हमने कितने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं. तो एक, दो और तीन, तो तीनों कर्ली ब्रैकेट्स को आपको करना होगा क्लोज. तो पहला ब्रैकेट, देन दूसरा ब्रैकेट, अब देन तीसरा ब्रैकेट. तो तीनों ब्रैकेट्स क्लोज हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. अब इसको सेव करने की बारी है, तो इसको सेव यहां से कर लिया जाए. अब हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे. तो इसको क्लोज करता हूं. यहां पर देख सकते हैं सूरज नाम से एक हमें दिखाई दे रहा है. तो इस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहां कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर से आप कंपाइल करवाइए. तो जैसे ही कंपाइल करवाएंगे तो यहां नीचे देख सकते हैं लिखा है कंपाइलिंग डन, यानी कि कोई एरर नहीं आया है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. फिर राइट क्लिक करता हूं, अब इसको रन करवाऊंगा मैं. तो चलिए यहां लिखा हुआ है वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो पास कर रहे थे हम वो लिखा हुआ है, इस पर आप कर दीजिए क्लिक. जैसे क्लिक करेंगे एक ये विंडो ओपन होगी मेथड कॉल वाली. अब आप इसको ओके कर दीजिए. जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए 13 वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है. ये 13 वैल्यू क्यों प्रिंट होकर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं इसके पीछे ट्रुथ क्या है.
रियलिटी क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देख सकते हैं I की वैल्यू को मैंने 0 से स्टार्ट किया है और लेस देन और इक्वल टू किया है कहां तक 13 तक, तो इस वजह से ये 13 वैल्यू प्रिंट हो रही है लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं सिर्फ लेस देन कर देता हूं ठीक है देन इसको सेव करता हूं तो सिर्फ 12 तक ये प्रिंट होगी वैल्यू। कैसे प्रिंट होगी आइए देख लेते हैं एक बार। यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से कंपाइल करवाएंगे तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको यहां से रन करवा देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये 12 तक ही प्रिंट हो रही है। ये पहले वाला आउटपुट है, नीचे वाला हमारा जो आउटपुट है ये हमारा अब आउटपुट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर 13 तक प्रिंट होकर आ रहा था, आप देख सकते हैं इसको ठीक है। ये देखिए यहां पर 13 तक प्रिंट होकर आ रहा था लेकिन अब जबकि हमने दोबारा से इसको कंपाइल रन करवाया है तो अब देखिए अब ये 12 तक ही प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लूप का यूज कर सकते हैं। आगे चल करके लूप पर आधारित और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। अगर कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।